दोस्तों, बैठा था पीसी पे, मैंने सोचा वीडियो बना ली जाए। अभी अभी यात्रा करके आया हूँ, थकान सी थोड़ी हो रही है, कंधों में अभी भी दर्द है और पैर अभी भी सूजा है, एक पैर सूजा है। अब पीसी पे बैठा, मैंने कि वीडियोस बना लेता हूँ। हाँ, यात्रा सफल हुई और पवित्र गंगा जल लेके आया, गंगा मैया को शिवलिंग पे चढ़ाया और सुबह पूजा पाठ करी, कन्या खेवा के तब खाना पीना खा के सो गया। सो 5 बजे 6 बजे उठा, फिर थोड़ी तन्नू के चोट भी लग गई यहाँ पे, और फिर उसके बाद दही पर टिट्टी करवा के आए। तो मेरे एक सवाल है कि इंडिया में 5 की चीज़ 10 में क्यों बिकती है? जब MRP 5 है तो 10 की चीज़ क्यों बिक रही है? उत्तराखंड गया था मैं हरिद्वार, समय था 2:30-3 बज रहे थे। मैंने ऐसी वीडियो भी बना रखी है फनी, एक सोने के टाइम की 3 बजे की, तो उसी के 10-15 मिनट पहले की वीडियो बात होगी। मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने सोचा बिस्कुट खा लेता हूँ। तो बिस्कुट की जो कीमत होती है MRP, वो आपको सबको ही पता है 5 रुपये होती है, पर वहाँ 10 रुपये 10 का दे रहे थे एक बिस्कुट, और 15 के 2 दे रहे थे। ऐसा क्यों? जब MRP दे रखी है फिर क्यों दे रहे हैं? मैंने दुकान वाले से बोला, कह रहा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। तो फिर मैंने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया, पुलिस वाले को क्या नाम है कंट्रोल रूम के पास, जिसके भी पास कॉल गई थी, एक मैम बोली बात कराओ दुकानदार ने। मैंने दुकानदार से बात कराने की कोशिश की, उसने फ़ोन लिया, काट दिया तुरंत ही। फिर मैंने दोबारा करा, फिर किसी और मैम ने कॉल उठाया, तो फिर मैम ने बोला, मैंने कि मैम वो बार बार कॉल काट देंगे, तो मैम ने बोला मैम किसी आपके पास 10 मिनट के अंदर कॉल आ जाएगी। कॉल आई पुलिस वाले की, उसका नंबर मेरे पास भी है, अभी भी है। तो उसने पुलिस वाले ने कहा कि लेना है तो लो, मत या मत लो। मतलब पुलिस वाले की भी, मतलब उनसे हफ्ता लेते हैं, मुझे पता है ये रिश्वत लेते हैं, पक्का पता है। ये सच में क्या कहूँ, कह नहीं सकता, बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, इसीलिए कुछ बोलना नहीं चाहता। पर ये चाहता हूँ कि आराम से जो 5 की चीज़ है 5 में ही बिके, बस यही रिक्वेस्ट है। ये तो मेरे को भी पता है, राजनीति मैं भी पढ़ रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है, देश क्या चल रहा है, देश में दुनिया की खबर रखता हूँ, आसपास की भी, आगे पीछे क्या चल रहा है। मुझे ये चीज़ बहुत तेज़ भूख लग रही थी, रात के 2:30-3 बज रहा था, यात्रा करके आ रहा था मैं। मैंने सोचा खा लूँ, खाना भी नहीं था, बिस्कुट मिल रहे वो भी, अब पैसे भी नहीं थे, ऑनलाइन वहाँ नेट फ़ोन स्विच ऑफ। तो यही रिक्वेस्ट आएगी उत्तराखंड वासी से कि 5 की चीज़ 5 में ही बेचें बस। और सरकार से ये निवेदन रहेगा कि जो पुलिस वाले हैं कर्मचारी, थोड़े नियम कायदे कानून का पालन करें और करवाएं। तुम उल्टा मेरे पे ही ऐठ रहे थे, कह रहा है पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करावा के, अगर वहाँ पे किसी को कुछ हो जाता, अगर ये तो चलो बिस्कुट की बात थी, और कुछ हो जाता तो क्या मैं वहाँ कंप्लेंट कराने जाता क्या थाने में? और मैंने नियर पुलिस स्टेशन सर्च करा, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी पुलिस वाले के बैठे बैठे वहीं। उस दिन मैं सोया नहीं था, 3:30 के आसपास 4 बजे के आसपास सोया था, मेरा खून खौल गया था। और पुलिस वाले का नंबर भी है, रिकॉर्डिंग भी शायद है कि नहीं पता नहीं रिकॉर्डिंग, बट हाँ जो 2 मैमों से बात हुई थी उनके पास तो होगी, जो कंट्रोल रूम के पास शायद कॉल गई थी उनके पास तो होगी, उनने कंट्रोल टीम को भेजी होगी, जिस टीम का उसने नंबर मेरे पास है पुलिस वाले का। उसने मेरे से कहा अब मैं 3.5 किलोमीटर में थक हार के आया है, जल ले के आ रहा था, मेरे को भूख लगी, अब मैं हिम्मत नहीं हो रही थी चलने के लिए, इसीलिए मैंने बिस्कुट मैंने कि खा लेता कुछ पानी वानी पी के थोड़ा आराम कर लूँगा लेट के। अब वो कह रहा 3.5 किलो, मैंने देखा पुलिस से 3.5 किलोमीटर वहाँ जाता कंप्लेन रजिस्टर कराने। कहते हैं वैसे भोलों की सेवा होती है, कहाँ सेवा हुई, उत्तराखंड में तो बिल्कुल नहीं होती। उत्तराखंड में एक जगह भोजन मिल रहा था, तो पंडित ने पता क्या करा, उस जिस हर मंदिर होता है हर मंदिर में भंडारा होता है, तो एक रुड़की के पार करते ही, जब रुड़की में घुसते हैं द्वार के पास, तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद एक मंदिर था, तो वहाँ पता क्या करा,
चावल चावल पसंदी है, सब्जी नहीं पसंदी, एक साइड सब्जी पसंदी चावल नहीं पसंदी, फिर पता क्या करा दोनों भगोने उठा के वहाँ अलग बांटने लगा। बताओ बेचारो, एक लोग कोई सब्जी खा रहा है, कोई बेचारा वो खा रहा है, बताओ। और पंडित जी से कहा तो चिल्लाने और लगे, पंडित जी ये कोई क्या हो रहा है देश में, सबको अहंकार है, ये राम राज्य नहीं है, ये रावण राज्य है, क्या कहें देश में क्या चल रहा है।